नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आइए आज हम बनाते हैं किचन हैंगिंग टॉवल बहुत ही इजी स्टेप्स में। हैंगिंग टॉवल के लिए सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। यहाँ पे हम 18 इंच तैयार रखेंगे। सिर्फ टॉवल टॉवल की जो लेंथ है वो 18 इंच है। यहाँ से मैंने पॉइंट लगा दिया है और इसकी जो नेक्स्ट साइड है वहाँ से भी हम 18 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये 18 इंच हो गया है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस तरह से मिला लेंगे, यानी इसको मैंने डबल कर लिया है। और जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे जो मैंने ड्रॉ किया है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। तो ये जो मेरा पार्ट जितना मुझे बनाना है मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइस इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम जो हमारी नेक्स्ट ये साइड है इस तरह से इसके भी इस तरफ से डाल देंगे। इसके बाद हम दूसरी स्लाइस इस तरह से डालेंगे यहाँ पे। तो ये दो प्लेट्स हो गई यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे ये डालेंगे। फिर तीसरी स्लाइड इस तरफ से हम यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से हम इसके जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो ये इस तरह से ये है मिडिल सेंटर। तीन स्लाइस इस तरफ डाल दी है, तीन और तीन इस तरफ डाल दी है, ठीक है। अब इस तरह से आप एक सिलाई ऊपर लगा दीजिए सीधी। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिचिंग ले ली है। अब देखिए मैंने ये एक फोम सीट कटिंग की है और इसकी मैं आपको लेंथ और चौड़ाई बता देती हूँ। जितने की हमारी देखिए इसका ऊपर का जो पार्ट है उतना है, ठीक है ना। और इस फोम सीट के बराबर भी मैंने दो पार्ट्स कटिंग किए हैं। तो एक पार्ट्स पे हम इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं। इसके चारों ओर ले लीजिए, इसके बाद में बीच में आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। ये पार्ट्स मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको ऑफ करके मैं यहाँ से और यहाँ तक की एक सिलाई लगा लेती हूँ। और पीछे ये वाला पार्ट स्टिच कर दिया है। ऊपर की साइड में हम इसको स्टिच लेंगे इस तरह से। स्टिचिंग हो जाएगी और ठीक है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं कट करके और ये इस तरह से ऑन हो जाएगा और ये इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम इसकी जो ये दोनों सिलाई है ना, इस तरफ की एक सिलाई इस तरफ निकाल लेते हैं और इस तरफ में इसको अंदर करके और इस तरह से एक सिलाई हम यहाँ तक निकाल लेते हैं। इसके पास पास में जो दोनों साइड्स हैं इस तरफ और इस तरफ में एक एक सिलाई इन दोनों पार्ट्स पे निकालेंगे। अब मैंने ये एक डोरी बनाई है, ठीक है। और इसको हम सीधा ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे इसकी ऐसे स्टिचिंग ले लेते हैं। बिल्कुल बीच सेंटर में आप इसकी ऐसे स्टिचिंग ले लीजिए, एक सिलाई ले लेते हैं। अब ये तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब आपको इसको इस तरह से छोटा कर लेना है। इस तरह से इसको मुझे एक सिलाई लगा देनी है ऊपर की पार्ट्स में। बीच का पार्ट्स इस तरह से एक्स्ट्रा होगा, ऊपर का इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेकर के एक यहाँ फिर एक यहाँ तक। तो ये हमारा किचन हैंगिंग टॉवल तैयार है। आप इसे मात्र 5 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। किसी भी फैब्रिक को यूज करके वेलवेट से भी आप इसे बना सकते हैं।